बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एक्साइटेड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. देयर इज दिस मिक्स्ड फीलिंग ना. तो यस, बहुत खुशी हुई थी और सोचने का ज़्यादा मौका नहीं मिला ऑब्वियसली. टू बी ऑनेस्ट, बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें हुई. बट आफ्टर आई स्टार्टेड लाइक शूटिंग, उसके बाद एक्चुअली समझ आया व्हाट वी वर डूइंग एंड व्हाट द कैरेक्टर वाज. और अभी भी समझ ही रही हूँ. बट ऑनेस्टली बहुत काफ़ी इट्स क्वाइट एक्साइटिंग. आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कैरेक्टर है और कितना एंजॉय कर रहे हो आप ये प्ले कर रहे हैं? सो मैं गज़ल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और ये जो लड़की है ये बहुत बिंदास है और ये अपनी ज़िंदगी मतलब शी वांट्स टू जस्ट मतलब शी बिलीव्स इन यू You only live once. कि भाई ज़िंदगी एक बार आती है, उसे जियो, मज़े करो खुल के. एंड इज़ अ मॉडर्न गर्ल, आज की जो लड़की है और सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह में मतलब शी डजंट क्वाइट बिलीव. आई मीन कि भाई अगर बोला है किसी ने तो यू हैव टू डू इट. या कुछ ऐसी सी एंटरटेनिंग सी लड़की है. वेल, शूटिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अदिति के साथ कैसा बॉन्डिंग है? बाकी जो कारण है उनके साथ कैसे बॉन्डिंग? या सो वी बॉन्डेड रियली वेल, मैं और अदिति स्पेशली. और हम बहुत मस्ती करते हैं और करण बहुत जेलस होता है क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनती जा रही है और वो बहुत जेलस हो रहा है कि अरे इनकी इतनी क्यों बनती है, बोलते तुम दोनों ना थोड़े दूर दूर आ करो, ऑल ऑफ दैट. और करण के साथ भी बहुत मस्ती करते हैं, बट मेरा और अदिति का ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है. प्रोमो देखा है, प्रोमो देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों में आपस में बनती होगी आपकी और अदिति की? ऑफकोर्स वो कैरेक्टर्स है जो हम प्ले कर रहे हैं, बट ऑफ स्क्रीन तो मेरी अदिति की बहुत सही जम रही है. और इनफैक्ट इन द सीरियल ऑल्सो यू विल सी कि हमारी बहुत अच्छी जमने वाली है. आई होप यू नो व्हाट आई मीन. सीरियल की खास बात क्या अच्छी लगती है आपको और क्या कुछ कहना चाहिए? सीरियल के बारे में यही है कि यार सभी कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. एवरी कैरेक्टर हैज़ अ स्पार्क एंड आप बहुत कनेक्ट करोगे हर कैरेक्टर के साथ और स्टोरी बहुत यूनिक है. और जितना मज़ा हमें आ रहा है शूट करने में, आई होप आप सबको भी देखने में आएगा. वेल, जैसे कि नया शो है, ऑडियंसेस काफ़ी आपको प्यार देंगे, तो ऑडियंसेस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि बस प्यार चाहिए, दैट्स ऑल. आई मीन अभी तक भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. तो बस वैसे ही प्यार देते रहिए, हमारा शो देखिए, पसंद कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लाइक्स करें. दैट्स ऑल, थैंक यू.